हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डायरीज। आज हम लोग पापा का फेवरेट प्रसाद बना रहे हैं, मोदक। गेहूं के आटे से और गुड़ से बनने वाले मोदक हैं, जो कि घर में आसानी से अवेलेबल है। मोस्टली मेरी सारी डिशेस वही होती हैं जो घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से बनने वाली होती है। तो चलिए, ये पैन में मैंने घी रखा है, ये हाफ बाउल भरकर घी है। जिस बाउल से मैंने ये गेहूं का आटा लिया है गिनकर, उसी बाउल से मैंने घी लिया है। तो अब हम इस आटे को अच्छी तरह भूनना है। हमें इस आटे की बहुत अच्छी स्मेल, खुशबू आ जानी चाहिए, पूरे घर में पूरा घर महक जाना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए पापा का प्रसाद बन रहा है। तो ये आटा अच्छा कलर आ जाए, अच्छी खुशबू आ जाए इसमें से, तब तक के हम इसे भूनेंगे। तो मैं इसे भून लेती हूँ अच्छी तरह। ये देखिए, ये आटा अच्छी तरह भून चुका है, बहुत अच्छी स्मेल आई है इसमें से, बहुत खुशबू आई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तब अब इसी आटे में हम लोग, ये ड्राई कोकोनट है मैंने ग्रेट कर लिया है एकदम बारीक, और ये थोड़े से ड्राई नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इसमें काजू और बादाम है। तो आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो आप लीजिएगा, या फिर नहीं है, नहीं डाला तो भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। तो अब ये हम साथ साथ में 5 मिनट तक इसे भी चला देंगे, ताकि ये भी हमारे अच्छी तरह रोस्ट होकर निकल जाए, इसके साथ भून जाए ड्राई फ्रूट्स और ड्राई कोकोनट। तो ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स और ड्राई कोकोनट डालने के बाद भी मैंने अराउंड 5 मिनट तक के इसे भी चला दिया है साथ साथ में। तो ये अब दोनों भी साथ में रोस्ट हो चुके हैं अच्छी तरह। तो ये गैस अब मैं ऑफ कर देती हूँ, और ये हम निकाल देते हैं मिक्सचर जो बनाया है, इसे निकाल देते हैं एक अलग थाली में। तो चलिए, ये मैंने पैन खाली कर दिया है और वही पैन वापस गैस पर चढ़ाया है। इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून भरकर मैं घी डाल रही हूँ, और ये गुड़ है, गुड़ मैंने बारीक कर लिया है, ग्रेट किया है, इस गुड़ को भी डाल देते हैं इसमें। इस गुड़ की हमें चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ मेल्ट करना है। चलिए, ये गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैंने ये इलायची और नटमेग, जिसे जायफल कहते हैं, ये डाल देते हैं, और ये जो बैटर है, ये जो मिक्सर बनाया है, ये डाल देते हैं अब इसमें, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, ताकि इसमें गुड़ भी मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये गैस सबसे पहले ऑफ करते हैं, वरना हमारी जो गुड़ की बनी है, गुड़ मेल्ट किया है, वो कड़क हो जाएगा, और फिर हमारे मोदक भी बहुत कड़क हो जाएंगे। एक 5 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि पैन बहुत गर्म है। चलिए, मैं अब इसे भी निकाल देती हूँ बर्तन में। तो चलिए, ये देखिए, हमारा मोदक का मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है, मैं इसे आराम से हाथ लगा पा रही हूँ। तो अब हम, ये मोदक का संचा है, मैं इस तरह बंद में ही भरना मतलब चाहती हूँ, मुझे इसी तरह हाथ जमता है। अगर आपको खोलकर भरना है तो आप उस तरह भरिएगा। तो ये मिक्सचर उठाकर पहले इस तरह उसका एक सिलेंड्रिकल शेप में बना लेंगे, और फिर ये भरने में आसानी रहती है, जितना भी बैठता है। अब दबा दबा कर भरिएगा, चारों तरफ से एकदम प्रॉपर शेप ले लेना चाहिए इसमें। फुल भरिएगा एकदम, और अब हम इसे खोल देंगे। थोड़ा सा नीचे से पुश करेंगे तो ये आराम से निकल के आ जाएगा। ये देखिए, अगर आपके पास बड़ा वाला संचा है तो उससे बनाइएगा। तो मैं इस तरह बाकी के सारे बना लेती हूँ अब। तो ये देखिए, ये हमारे मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं। ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी है प्लीज़ बताइएगा। घर में आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, घर के इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।